Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 16th October 2020. Subject English Grammar, Class 4, Book the Grammar Right Book, Chapter 8. My dear students, we're doing the revision of the chapter tenses. हम लोग tenses chapter के ऊपर revision कर रहे थे. Last class में हम लोग present perfect tense का definition को पढ़े थे, right? Present perfect tense क्या है? The present perfect tense is used to talk about an action that has just happened at an unspecified time before now. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस के बारे में बात कर रहा है जो आपका अनस्पेसिफिक टाइम बिफोर नाउ के में ख़त्म हुआ है, मतलब आपका जो भी एक्शन थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है पर उसका कोई पार्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं किया गया है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं. ठीक है, लुक एट दिस वेब डायग्राम टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यहाँ पे ये वेब डायग्राम दिया गया है यहाँ पे आपको समझने के लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं. टू शो एन एक्टिविटी दैट हैज जस्ट हैपेंड, अगर आपको एक्टिविटी दिखाना जो थोड़ी देर पहले ही हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई हैव जस्ट वोकन अप, दे हैव जस्ट अराइव्ड. ओके, अगर आपको कुछ एक्टिविटी दिखाना जो थोड़ी देर पहले ही हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई हैव जस्ट वोकन अप, दे हैव जस्ट अराइव्ड. यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल किए, जस्ट. ओके, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज. अभी देखिए यहाँ पे कुछ एक्शन है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है कि वो पास्ट में शुरू हुआ पर अभी भी चल रहा है. ओके, ऐसे बहुत सारे एक्शन होता है जो आपका पास्ट में शुरू होता है पर अभी भी वो चल रहा है. एग्जांपल के तौर पे देखिए, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2005, सी हैज सेव्ड दिस कॉइंस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. तो देखिए यहाँ पे हैव लिव्ड, हैज सेव्ड, ये क्या बता रहे हैं, ये उन एक्शंस के बारे में बता रहा है जो पास्ट में शुरू हुआ पर अभी भी वो एक्शन चल रहा है. ओके, टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स हुज एफेक्ट्स कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. I have baked the bread and it is ready to eat. I have finished my work and now I am free. अब देखिए ऐसा बहुत सारा पास्ट इवेंट्स रहता है जो अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है. ओके, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होता है. हम लोग ऐसे बहुत सारे पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं जिसका इफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है. जैसे आई हैव बेक्ड द ब्रेड एंड इट इज रेडी टू ईट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड नाउ आई एम फ्री. हैव बेक्ड, हैव फिनिश्ड, ये क्या बता रहा है, ये वो पास्ट इवेंट्स को बारे में बता रहा है जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है. ओके, हुज एफेक्ट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. टू टॉक और राइट अबाउट एक्शन हु टाइम इज नॉट डिफिनिट, हम लोग उन एक्शंस के बारे में बात करेंगे या फिर लिखेंगे जिसका कोई टाइम डिफिनिट नहीं होता है. जैसे आई हैव रेड मेनी बुक्स, हमने ढेर सारा किताब पढ़ा है. और ही हैज़ बीन टू दिल्ली, और वो दिल्ली जा चुका है. तो कितनी बार गया है, कब गया है, उसके बारे में नहीं बताया, राइट. तो यहाँ पे हुज टाइम इज नॉट डिफिनिट, यहाँ पे हम लोग उन एक्शंस के बारे में बात या फिर लिखेंगे जिसका कोई टाइम को डिफिनिट, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है. हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस प्रकार से फॉर्म करते हैं, हैव और हैज और उसके साथ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव और हैज और उसके साथ वर्ब का पास्ट फॉर्म लगाते हुए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉर्म करते हैं. तो हम चाहते हैं घर में इसे पढ़ें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है डिफिनेशन पढ़ें और उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए डायग्राम दिया गया है. हम चाहते हैं वे डायग्राम को पढ़ें और समझ के आप इसे कोशिश करें, समझने की कोशिश करें. थैंक यू.